आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता ऑल इन ऑल। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। मैंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि आपके पास जो सूचना उपलब्ध है या जो सूची उपलब्ध है कि पैकेज रेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए। उस पैकेज रेट का इलाज किस स्तर का, उसमें दवाइयां इस्तेमाल होगी वो कौन सी दवाइयां हैं वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक एंटीबायोटिक 3,500 का भी होता है, 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। अच्छा, ये आनंद जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूँगा।